जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो रही है। अब तो हर एक मुकाबला प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह से बदल कर रख रहा है। जी हां, आईपीएल 2022 का 43वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस ने इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। यह शनिवार को खेला जाने वाला डबल हेडर का पहला मुकाबला था। इस मैच में कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने विराट कोहली और रजत पाटीदार के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए और गुजरात को जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य दे दिया। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की इस बड़ी जीत के बाद प्लेऑफ की रेस में एक टीम तो तय हो चुकी है, लेकिन एक टीम की अब मुश्किलें बढ़ रही है। क्या यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी या नहीं, और कैसी बाकी टीमों का हाल भी खस्ता हुआ है। आइए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्या समीकरण बनते हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आईपीएल के फैन, आरसीबी के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैरिये, तो हम आपको बताएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के यहाँ से अब क्वालिफाई कर पाएंगी भी या नहीं, क्या बचता है उनके लिए एकमात्र आखिरी रास्ता। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी तो बताना चाहेंगे, गुजरात टाइटंस ने अब तक पॉइंट टेबल में 9 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं और कहीं न कहीं 16 पॉइंट इस टीम ने अर्जित कर लिए हैं। 16 पॉइंट के साथ में ये टीम क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाती है। इस टीम का प्लेऑफ में जाना अब यहाँ से तय हो गया है, क्योंकि अभी भी इस टीम को 5 मुकाबले खेलने हैं और अब अगर 5 में से कोई एक मुकाबला जीत जाती है तो इस टीम के ऊपर क्वालिफाइड माना जाएगा। वैसे 16 पॉइंट के साथ में भी ये टीम यहां से क्वालिफाइड ही मानी जाएंगी। और ऐसा ही कुछ हाल हमने राजस्थान रॉयल का भी देखा है। राजस्थान रॉयल के पास फिलहाल 12 पॉइंट है, लेकिन 8 मुकाबले इन्होंने खेले हैं। इस टीम को भी अब केवल 6 मुकाबले खेलने हैं और 6 में से केवल और केवल अगर 2 मुकाबले भी जीत जाती है तो ये भी टीम क्वालिफाइड मानी जाएंगी। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अब यहां से मुश्किलें बढ़ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब इस पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पर है। 10 में से 5 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 5 ही हारे हैं, 10 पॉइंट इनके पास अब अवेलेबल है। इस टीम को महज अब 4 मुकाबले ही खेलने हैं। जी हाँ, 4 मुकाबले ही खेलने हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके लिए आखिरी रास्ता यही बचता है कि किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट कम से कम होने जरूरी है, यानी कि आधे से एक मुकाबला ज्यादा जीतना जरूरी होता है। और लीग स्टेज में अगर 14 मुकाबले खेलने हैं तो केवल 4 मुकाबले अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को खेलने हैं, क्योंकि 10 मुकाबले वो खेल चुकी है। ऐसे में 4 में से 3 मुकाबले हर हाल में जीतना होगा, जिससे उन्हें 6 पॉइंट मिल जाए और 10 पहले से ही है। टोटल देखा जाए तो 16 पॉइंट उनके पास हो जाएंगे और यहां से वो क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अब इनके लिए आखिरी रास्ता यही है कि बची हुई 4 में से 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, यानी कि डू एंड डाई के मुकाबले शुरू हो चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी। क्या यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये कारनामा कर पाएंगी, उनके लिए जो आखिरी रास्ता बचता है उस पर खरी उतर पाएंगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।